शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं 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 नहीं, अरे उसने तुझे नहीं मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले चश्मे पहन रखे थे। हाँ तो उसमें तुझे देखा? क्या तुझे देखा? किसी को नहीं देखा, मुझे देखा, मुझे देखा। ये मेरे को नहीं देखा, तेरे को देखेगी यार। एक बार देख तो लेती, चार खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके लिए, चार नहीं तीन। चलो तीन नहीं दो नहीं, एक तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं, लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ मुझे दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल, बुढ़िया को पटा जाए। क्या? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है मेरे पास। अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस पैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है, लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार, बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ हाँ, तो फिर हम चारों इकट्ठे जाएंगे और दादी जाल फेंकेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कल रात शायद बुढ़िया ने हमें देख लिया हो, पहचान लिया तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है, घर गली सुनसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान होता है। चल निकलते हैं। ओ बच्चू, क्यों आज नहीं फिर कभी? क्यों क्यों? इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में, मुझे पूरा भरोसा है। तू जा बुढ़िया गठरी मार के आ। नमस्ते दादी। हमें भी मरवाएगा, निकलो। अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मर जाऊंगा। गोटी लोचे हो जाएंगे। अबे सुअर पहले पानी तो डाल, आगे चल रही है मेरी। ला 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 ला, पानी ला, पानी डाल, पानी डाल, डाल डाल पानी डाल, पानी डाल। अबे छाती नहीं, आगे चल रही है कुत्ते। चुपना चुपना, तू इतना ऊंचा है। पानी डाल साले दगाबाजो। कैसे दोस्तों, मुसीबत आते ही पेंधे को पैर लगा के भाग गए, सबक सीख लिया सालो। अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूंक फूंक के पीऊंगा मैं। अरे हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो? ए सैम, तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं। ए मारू, हाँ। तुझे मालूम था? हाँ। अबे तुझे क्या मालूम था? ये नहीं बोलना चाह रहा है? हाँ बोल रहा है ऐसे करके। तो मेरी गला फट चीखे नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे, हमें लगा तुम और दादी मिलकर जोर जोर से हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी जो कंधों पे अब तक सर बाकी है, नहीं तो तीन बार चूरा घुमाया था उसने यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप कर, सारा फोड़ डालूंगा। बस तू दिमाग पे बर्फ घिस के एक बात समझ ले, लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू बुट्टी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो एक तरफ का, अब सिर्फ हम तीन उससे शादी करेंगे। हम तीन इकट्ठा उससे शादी करेंगे? क्यों? तो क्या पार्वती ने चार से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही, द्रोही। अबे द्रौपदी, हाँ। द्रोही। वो जो भी हो हमें क्या, वो माँ भारत है, आज का भारत है। हाँ। हम तीनों का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं कर लूंगा शादी उससे। Hmm? Hmm?
150 रुपया देगा। एक का 150 यानी कि दो का 300 ना। अरे आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। ए कचरा सेठ का कचरा नहीं करने का। ओ सेठ, मेड इन जापान। तो जापान के चोर बाजार में जाके बैठा। पहले वो लक्ष्मी फंड वाली ने लूटा, अब तू भी लूट ले। ये ले, खींच ले। मजाक मत करो बाबू भैया, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। चार चार इम्पोर्टेड जूते थे, अभी एक नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। ओ। ये कल रात को मैंने राजू के सर पे मारा तभी तो थे रे बाबा। ओ। ए श्याम, ये ले रहे एक वक्त की रोटी और बाबू भैया का दो वक्त का बाटली लेके आया मैं। कितनी गोड़ है। खाने के लिए पैसे कहाँ से लेके आया? लेकिन पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। अरे तो पहले बोलना चाहिए, अभी मैं फर्स्ट क्लास नाके निकला, पूरा मैल निकाल दिया। ला बाटली ला। अरे यार मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी ने मेरे जूते देखे क्या? इंटरव्यू के लिए जाना है? हाँ। अरे पहले बोलता ना, इंटरव्यू के बाद भेज देता तेरे जूते। मतलब तूने मेरे जूते बेच दिए? अरे कोई आइटम बचा ही नहीं बेचने को। बाबू भैया ये आइटम के बच्चे हैं। फट जाएगा। अरे तेरी बनियान तो फटी नहीं है, अब सूट के नीचे क्या पहनूंगा मैं? स्लीपर पहन के घूमूं क्या? छोड़ मेरे को। इनको देखो, देखो बेचारे को। इन्होंने कुछ बोला? मैंने बेचारे का घड़ी बेचा, इनका सोने वाला चश्मा बेचा। बेचारे ने कुछ बोला? नहीं बोला। तूने घड़ी बेचा? आपका बोतल गिर गया। बाबू भैया आप उसको छोड़ना मत, बोलो आपके पीछे। आप घड़ी लेके क्या करोगे? आपका टाइम तो वैसे ही खराब चल रहा है। साला टाइम तो भी तेरा खत्म रे। बाबू भैया छोड़ना मत इसको। पहले तो उसको पकड़ तो सही रे बाबा। ए ए ए गरीब बेचा चप्पल मेरा, गरीब बेचा। खाना नहीं दूंगा तेरे को मैं। अरे तेरा खाना क्या नहीं देगा? अरे बाबू भैया आप पीछे क्यों? मारो उसको। मेरे पीछे क्यों पड़े? इसको पकड़ो यार बाबू भैया। देखो फिर मार रहा आपको। देखा काय को आ रहा है? आप दीजिए ना मेरे। क्या मार रहा यार? मराठी मार सा ज्यादा हो। बाबू भैया आइए। बाबू भैया मर्डर कर दो उसका। आप उसका मर्डर कर दो, मैं आपके पीछे बेल्ट लगा दूंगा आपकी। बाबू भैया तोड़ ले रे कुत्रिया। कान जोड़ मेरा कान जोड़। अरे मेरा नाक रे। मर्द की तरह लड़ना, मर्द की तरह। साला तू अच्छी अम्मा। आइए बाबू, ये लड़की। हाँ तो मैंने किधर बोला लड़का है? अरे निकल गई। निकली नहीं है रे बाबा, तेरा चश्मे का नंबर ठीक करा, इधर ही खड़ी है। अरे धोती है? ये तो सलवार कमीज पहना है, धोतर नहीं पहना है री। बाबू ये आपकी धोती। कुटी के लिए। अरे उधर क्या कर रहे हो? लड़की इधर है, धोती पहनो। कौन राजू लपेट, जल्दी लपेट। चेंजिंग। अच्छा जस्ट द टाइम, अंदर डालो इसको जस्ट द टाइम। हो गई। अरे मेरा हाथ तो कैसे है? आप यहाँ कैसे? जी मैं वो किराए के लिए आई हूँ। वो किराया क्या बाबा, वो जो समझ के देना ही दे देना। अरे नहीं मेरा मतलब है मैं किराया लेने आई हूँ। तो फिर राजू से ले लेना आप। आप इस चौल की मालकिन है? जी मेरे पिताजी यहाँ के मुनीम हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं आई हूँ। दीजिए 125 रुपए। हाँ ये लीजिए 1000। ये 1000 रुपए किधर से ला? हल्का मेरे जूते बेच के तूने ला, मेरे जूते के पैसे वापस आते। चड्डी के ऊपर पहनेगा? ये तेरे जैसा भिखारी नहीं है, सूट है इसके पास। सूट बेच के ही तो लाया हूँ। ये लीजिए। छुट्टा नहीं है मेरे पास। तो अपन बाहर चल के कॉफी पीते ना, छुट्टा करवा लेंगे ना। कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। रेखा जी, मीना जी, सीमा जी, जो भी नाम है आपका, मेरी बात तो सुनिए। ये देखिए मैं आपको साले ने मेरा सूट बेचा है, मेरा घड़ी बेचा, गोल्डन चश्मा बेचा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आप देखना। मर साले को, साफ कर कचरा पेटी को, मर। सुनिए मेरी बात सुनिए, अपने पीली सूट वाली मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं, हम लोग चल के पीते ना कॉफी, छुट्टा दे दूंगा। राजू बेलन देना। खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। मेरा सूट कहाँ है? वन पीस सूट था। तो देखो टू पीस देता ना तो तू स्विमिंग पूल में बैठता पहन के।
चोर चोर तू खोपड़ी तोर। ए बाबू भैया साले जा मेरा सूट ले वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ए ए शाम ए पागल मत बन वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। ये मार मार का खोपड़ी तोर साले का मार तेरी क्या भाईला बाबू भैया मारा इसने आपको मारा इसको। अरे इसने आप लोग सामान उतारिए। जी सर। कौन है भाई? इधर तो जल्दी जल्दी सामान निकल चल। जी सर। आप लोगों में से उदय कौन है? हेलो मिस्टर उदय पुरुषोत्तम पप्पू इस इलाके का म्यूनिसिपल ऑफिसर नया। आपको मालूम तो होगा कि ये घर इलीगल है। मालूम है किसका है? आरडीएक्स का है और वो कौन है ये भी जानता हूं। कानून नाम की कोई चीज होती है या नहीं? नहीं डरिए मत डरिए मत। मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं लेकिन आदमी बहुत ही अच्छा हूं। कानून के दायरे में रहकर ही काम करता हूं। कोई कीमती सामान पड़ा हो तो निकाल लीजिए मैं घर तोड़ने जा रहा हूं। अरे जाओ भाई तोड़ने को मदद करो। जी जी भाई। Come on guys। सर मैं भी मदद करूं। हां चलिए। हां लिया लिया। सामान लिया ना। चलो चलो। क्या बात है उदय भाई? फिल्म के हीरो ने कॉम्प्लेक्स दे दिया क्या? बल्लू। जी भाई। बता जरा। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा। अरे वो नहीं मुहूर्त पर क्या हुआ बता। मुहूर्त अरे वो तो कमाल हो गया। सुनील शेट्टी को निकाल के भाई को हीरो ले लिया डायरेक्टर ने। बोला सड़क पे से किसी को भी उठाकर स्टार। नहीं 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 बोला सड़क पे से किसी को नहीं उठा रहा हूँ बल्कि एक बहुत बड़े एक्टर को ले रहा हूँ। बहुत ग्रेट डायरेक्टर है वो। और मजनू भाई देखो भाई का पेपर में फोटो भी आया है। लो लो भाई ये देख। लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? क्या जल रहा है रे? जल रहा है? क्या जल रहा है? तेरा जल रहा है कुछ? नहीं मुझे तो बदबू आ रही है। ए मजनू उड़ जरा जरा पलट। ए देख पीछे से धुआं निकल रहा है। ए भाई ये पंगा। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है। मैं नहीं मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। बाबा बाबा को ऊपर गाने के बारू फूल बरसे वो सेवो मेरे में कितना भूख तेरे इसको बंद करो भाई। अरे भौंक नहीं रहा है अंताक्षरी खेल रहा है तेरे साथ। अभी भय आना इसलिए भौंक रहा है। चौबे मेरा सिंगिंग का भंग से करने के लिए मैं पहले बोलते गाड़ी गाड़ी बोलेगा नहीं तो मैं मलबारी सबको पर बाहरी समझे नहीं। ये पुट्टू पायलट की गाड़ी है इसमें मैं अकेले ही भौंकेंगे गाएंगे। अरे काहे भौंक रहा है? सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? खाया ना मामा। सुबह से 2 न्यूज़पेपर 3 रिमोट कंट्रोल और 1 कंप्यूटर माउस फिर भी इसका पेट नहीं भरता। ये हड्डी बिस्कुट खाते नहीं क्या? खाता है ना। हड्डी बिस्कुट छोड़ के सब खाता है समझा? अभी चुप करके चला नहीं तो तुझे भी खा जाएगा। हाँ इसलिए इसका नाम हजमोला। कहा है फिर से गाना शुरू किया तुमने? अरे मैं नहीं गा रहे भाई मेरे मोबाइल है। कौन है? हेलो कौन? कभी किधर है? किसके साथ में? अरे उसको रोको भाई रोको उसको भाई। मेरे औरत भाग भाई। औरत भा... तेरा शादी कब हुआ? मेरे शादी रही हो गया। हे कौन रे रंग नंबर देख रहे मेरे को तोड़ देने के लिए लगा मेरी शादी हो गया मेरे औरत भाग गया मैं डर गया। वैसे भी शादी होता तो औरत भागता ही था। ए चुप रे केरल में औरत भागता नहीं हस्बैंड भागता है। हाँ भाग के दुबई आके गाड़ी चलाते है। चलाते नहीं उड़ाते। मेरे नाम पुट्टू पायलट है। मुंह बंद कर तेरा मुंह है टॉयलेट है। इधर कहाँ है रोका गाड़ी? पेट्रोल फुल कर रहे। ए मामा ये कैसा गधर ड्राइवर उठा के लाया तू? खुद ही खुद के साथ अंताक्षरी खेलता है। खुद की शादी हुई है नहीं पता नहीं ये हम लोग को दुबई के रास्ते क्या दिखाएगा यार? ओ भांजे उधारी में ऐसा ही ड्राइवर मिलता है। चुप कर। तो क्यों करता है उधारी? अरे कितना भौंकेगा अब का हमें खाएगा का? इका, इका, ये भी तेरी तरफ भौंकता है। खा, खा।
मामा ये खा गया मामा पुट्टू आ रहा है वो आया आया सुर में सुर मिलाले मेरा मोबाइल अरे जो भी है मेरा मोबाइल का फोन देख रे नहीं हमने नहीं देखा है मेरी आवाज किधर से आ रही है इधर आवाज बाप रे किधर से हे इधर से मेरे मोबाइल की आवाज आ रही वो हमारा हजमोला तुम्हारा मोबाइल खा गया ये कालिया वो इनकमिंग फ्री था तो हजम कर गया नहीं मेरे मोबाइल मेरे को चाहिए रे भाई तो क्या मुंह में हाथ डाल के थोड़ी ना निकालेंगे हम देखो मेरा मोबाइल मेरे को चाहिए मेरे इम्पोर्टेंट को होएगा तो ठीक है एटेना मैं सुबह कितने बजे जाता हूँ दो नंबर मामा करीब 10 बजे 10 बजे ना तो 10:15 बजे दो धाके दे देंगे है? मेरे को कड़ी सिम कार्ड दे देने भाई इंस्ट्रूमेंट आप लोग रख लो इसे करोड़ को पति से अलग कर दो आइए आइए दुनिया का सबसे भयानक कोना हमारा घर और वो है हमारा कमरा वो ये किचन हाँ हम लोग तो उधर ही पड़े रहते ना पूरा दिन वो बाथरूम है वो अंदर पानी आते ना ठंडा गरम दोनों कुछ कपड़ा वपड़ा लाया तो धोने का शुरू कर दो वेलकम वेलकम ए रुको ये क्या हो रहा है किन भिखमंगों को उठा के ले आए हो घबराना नहीं हो हमारा तो रोज का है नवो है ना बिचारो इटले ये डार्लिंग है ना मेरा दोस्त है अभी इंडिया से आया है क्या क्या नाम है तेरा चेन वाला छोटा छतरी और ये है येड़ा अन्ना हाँ कुछ दिन इधर रहेंगे अपने यहाँ क्यों रहेंगे ये क्या कोई लॉज है हम तुम्हें रहने देते हैं यही बहुत है समझे चलो चलो निकलो डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है नहीं तो फिर आज क्यों सुनूं बराबर बराबर चलो 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 तुम दोनों अपना अपना सामान उठाओ और चलो निकलो अरे जाते हो कि बाहर फेंक दो ये थूक देगा नहीं नो स्पिटिंग हियर थूकता नहीं है बेचारा हकलाता है और ये बेचारा गूंगा सिर्फ इशारे से बात करता है अरे तो गूंगे हकले बीमार को यहाँ क्यों लेकर आए हो जाओ जाकर सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दो जाओ जाओ निकलो ये कब 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 क्या अभी इसी वक्त चलो गेट आउट 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 ए शानी जब से बोलती जा रही है सुन रहे लो इसका मतलब बोलते जाने का क्या हां मोनिस का लियो इसकी गर्मी का रास्ता छोड़ ठंडी हवा ने दे चल शट अप तू छोटा छतरी के सामने छे 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 चिल्लाने का नहीं समझा क्या हाउ डेयर यू मेरी मम्मी के साथ ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ए मैडम बहुत हो गया तेरा डमडम चुप बैठने का पना तेरी खोपड़ी में है ना वो क्या है रे इसके खोपड़ी में भेजा अरे वो तो लेडीज के खोपड़ी में होता ही किधर है यार वो क्या था वो जो रावण के दस्त खोपड़ी में था ना जो राम ने निकाल के भरता बनाया था वो क्या था घमंड उतार देगा अपन एक सेकंड में देखती क्या है अपन दोनों नहाने को जा रहे ले उसके पहले अपन को गरम गरम मसालेदार चाय चाहिए समझी ना छोटे चल एक रे लिए क्या हुआ कुछ मुंह में घुसेड़ा उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई अब क्या होगा अब क्या होगा अब यहां से बाहर निकलना होगा तो ऐसे दे देते हैं किसे क्या क्या ढोल याद है मैंने तुझे दिया था हाँ कब आग क्यों मार रहा है कचरा गया है यार है? तू नाटक बंद कर यहाँ जीने के लाले पड़े चल जल्दी बता ढोल कहाँ है या तो मैं पागल हो गया हूँ या तेरी बुद्धि खराब हो गई है तू देता है कि नहीं तू देने वाला है कि नहीं ढोल देता हूँ तुझे कलपट्टे में खींच के देता हूँ चल चल बता कहाँ छुपा के रखा है चल बता है? मुझे कुछ मालूम नहीं है यार तू सही बोल रहा मारू ढोल इन कमीनों को मत देना कोठी तू बीच में टांग मत मार मारूंगा ढोला मारा है हम पॉकेट में किसी और को क्यों दे जिंदा निकलना इस नरक से इसलिए तो कोई और भी रास्ता होगा मारू तू किसी को कुछ मत बताना मैं तेरे साथ हूं एड़ा हो गया ये इसको कुछ समझ में नहीं आता हां
गधे क्यों लड़ रहे हैं? एक किस ढोल के लिए भौंक रहे हैं? अपना गटर बंद रख, मारू यहाँ से, भागना है कि नहीं? एक्टिंग है। माइकल दादा, ये वही लौंडे हैं। पकड़। लगता है कमबख्तों का तगड़ा झुंड है साला उनके साथ। अभी अभी डराते हैं। चल अभी ढील दे, बाद में काटते हैं, पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। सेठ जी बड़े दयालु हैं, आइए आइए, तीनों आइए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। सेठ जी, इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया, आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया। इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो सेठ जी। अरे ये झूठ बोलते हैं। इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। सेठ जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसने बोला स्टॉप, ए स्टॉप, तूप ताप लेने ता तिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों ने, दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए त्या तुतुल पुतुल, नहीं, 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 नहीं। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। ए नहीं ले, सामने से जवाब, सामने से जवाब देता है तू। वो तोलते ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। बीस लाख दे। बीस लाख
अबे बीत लात दे। अरे कैसे मारे का लात तीस को रे बाबा। अबे बीत लात नहीं बोल रहा हूँ, बीत लात दे। बूढ़ा आदमी है बाबा, अच्छा नहीं रे लात कैसे मारे। बहुत मारेंगे लो, चुप हो जाओ। अरे बीत लात नहीं है, बीत लात दे। अरे मैं समझाता हूँ, चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है रे, अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख दे। ताले ताले, तेरे को समझ में नहीं आता, 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल चलता है? तेरी धोती पे डाल दूंगा मैं ताले, दिवाली का पैसा तू ताले मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तोते उड़ा दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है, पिदल है मेरा 20 लाख रुपया। अता ता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं, तो पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ। मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो ऑल के तला में तिंगल था। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल तोल रहा है, तोता ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। गाता था माँ कसम, मैंने देखा इनका बाप ना, इनका दादा वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में, मैंने देखा कसम से। गाता ले मेरा दिल माजा दिल, तू ही माजी मंदिर, कहीं भी ते ना ये राधे। तू तोतला है, मैं तोतला है, मेरा काम वाला ले बाबा, काम वाला मेरा तगा वाला ले तू। ए राजू, ए थाम, तान तोल के तुल लो, मेरा तोतला तगे वाले का पैसा खाया तूने, साला लौटा देना ना तो गोली से उड़ा दूंगा। बोल दिया, दे देगा रे, मैं चलता हूँ। अबे दाता कहाँ है ताले? चला पीछे मुझे देख। आइला इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। लकी मुझसे बात करो, लकी लकी टॉक टू मी, मुझसे बात करो लकी, मुझसे बात करो, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में लकी। लकी मेरे बच्चे। नहीं अंकल, आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि क्योंकि यही लकी की आखिरी इच्छा थी सर। आखिरी इच्छा? मगर ऐसा क्यों कहा लकी ने? क्यों कहा? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। हम कभी आपसे झूठ बोल सकते हैं क्या? हम पर भरोसा नहीं है सर। इधर ही आए, क्या हुआ? आपके मामा जी बहुत ग्रेट है, हम सब की मुसीबत अपने सर ले ली। वो देखो अंकल, अंकल कंट्रोल राजीव, कंट्रोल। ये हमारे बेटे को अंकल क्यों कह रहा है? बेटे को नहीं, आपको अंकल बोल रहा है सर। वो अंकल जी को क्या हो गया? राजीव संभाल, क्या हो गया अंकल जी? मगर इतना रो क्यों रहा है? ये लकी का बहुत अच्छा बीड़ू हो गया था सर। बीड़ू इंग्लिश में बोले तो बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। मैं उसको समझा के आता हूँ। हाँ राजीव, ना ना मुन्ना, ना ना ना, अबे जिंदा है,
जिंदा अरे है। कौन जिंदा है? लकी लकी हमारे हमारे दिलों में जिंदा है ये, हमारे दिलों में जिंदा है। तेरा मामा जिंदा है, समझ जा तू। लकी कहाँ है? लकी कहाँ है? कहाँ? यही कहीं छुपा है। कौन? लकी मशरूम उदय जी सर, ये लकड़ियां क्यों गिर रही हैं? अब तो चिता भी डेड बॉडी को बुला रही है। जी सर, कंट्रोल। ए राम, मर गया। साइड प्लीज। आराम से मामी, आराम से। संभालो संभालो संभालो। मामी आ गई। शर्म नहीं आई तुझे? मुझे बिन बताए इनका अंतिम संस्कार करने चला था तू, वो मुझे इशारा करता है, कह रहा कि चुप रहो। अरे कम से कम आज के दिन तो मुझे रोने दे। बर्बाद हो गई मैं, बर्बाद हो गई। ये औरत ने अपनी चूड़ियां क्यों तोड़ ली? बर्बाद हो गए। ये कौन है? ये डेड बॉडी की बीवी है सर। डेड बॉडी की बीवी है? लेकिन लगे ने शादी कब की? हमें बताया क्यों नहीं? शायद ये राज भी इसी के साथ चला। ये राज अपने राजीव को जरूर मालूम होगा सर। हाँ, राजीव भाई आप ही बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? यही कि ये लड़की अच्छे घराने की है, अब ये दोनों ने शादी कर ली। लड़की के माँ बाप ने ये शर्त रखी कि लड़के का बाप यानी कि आप अंडरवर्ल्ड की नौकरी जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आपस में शादी के बाद भी मिल नहीं सकते। बराबर, इससे ज्यादा क्या बोल सकता। बस 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 बस, बस चल आज। सॉरी आज अभी अंकल जी उसको जी सर उठाए, उसे ले चले अंकल। सवाल क्यों? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये क्या सचमुच जलाने लेके जा रहे हो? सत्य है। आपको कवर कर लीजिए, जल्दी निकलो 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 निकलो। राम नाम, चल चल चल, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। मेरे ही सीने पे तो सर रख के रो रहे थे आप सर। तुम्हारे सीने पर? हाँ सर। सर दुख में तो पता ही नहीं चलता ना कौन किसके सीने पे सर रख के रो रहा है। सर ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा है। This is called true love. Poor woman. Lucky के प्यार ने इसे पागल कर दिया है। Lucky? कौन Lucky? अंकल जी, चिता को आग दीजिए और हम लोगों को फ्री कीजिए, प्लीज। राजा मुझे तेरा इंतजार था, अब तू कहता है तो जा चौबे, तेरी जान छोड़ी। लेकिन तुम लोगों को मेरा काम करना होगा। कौन सा काम? एक आदमी को उठाना है। उठाना है, ठीक है। वो कब से सो रहा है? अबे वो वाला उठाना नहीं, उठाना है, ठीक है। कितने किलो का होगा? अबे तू भी साला ठक्कन है।
उठाना मतलब किडनैप करना है। किडनैप? अपहरण? फिरौती? रैंसम? पकड़? जुमेरा पे एक आदमी बैटिंग करने आएगा, तुम लोगों को वहाँ फील्डिंग लगानी है। क्रिकेट खेलना है? नहीं, अभी आप कहते ना किडनैपिंग करना है, तो फील्डिंग, बैलिंग, बॉटिंग कहाँ? एक सेकंड मामा, मैं बात करता हूँ। सीजन से खेलना है या रबड़ी से? जो आप बोले हम तैयार हैं। अबे देड़शाने, सुन, जुमेरा पर एक बैटिंग काउंटर है, वहाँ फाइट पर लाखों दिरहम की बैटिंग होती है। 6 बजे एक आदमी वहाँ बैटिंग करने आएगा, तुम लोगों को उसे किडनैप करना है। लेकिन मॉस्को भाई, हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे? वो आप रुकिए, हम समझाते। ऐसा है कि मॉस्को मामू आदमी को हमारा हुलिया बता देगा, वो आदमी चिल्लाएगा चौबे और मुझसे फट पकड़ लेंगे, ठीक है? ए, ये ढक्कन का मुंह बंद करता है, मैं करूं? तू अपना ढक्कन बंद कर, तू खोल अपना ढक्कन। आप बोलिए मॉस्को भाई, सॉरी। वो अतरंगी सूट बूट में होगा, मुंह में सोने का दांत, दाएं हाथ में रॉकी नाम का टैटू, उंगलियों में रॉकी नाम की अंगूठियां और हाथ में एक ब्रीफकेस होगा जो जंजीर से जुड़ा होगा। मुझे वो ब्रीफकेस चाहिए। आपको ब्रीफकेस चाहिए कि आदमी चाहिए? पहले से तय करके बताइए आप प्लीज। है? अगर तुम दोनों ने मेरा काम नहीं किया ना, तो आप किसी और से करा लेंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई इंजेक्शन नहीं है। मामा, ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, ये नहीं है तेरी। अबे कान का शटर खोल के आखिरी बार सुन ले, मुझे वो ब्रीफकेस चाहिए, समझा? अब मॉस्को भाई, उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या है? मेरी जन्म कुंडली भाई। कुंडली तो घर पे है, कबाड में। घर पे है? कब बॉल्स कॉस की। ए कबाड़िए, काम खत्म होते ही मुझे फोन कर देना, मैं तुझे यहीं मिलूंगा। ओके, कम ऑन बॉयज, फॉलो मी। यस सर।